एक तोहफा दिया गया रन फॉर स्वस्थ भारत, क्योंकि महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी जी दोनों युवाओं के लिए स्वास्थ्य पर, योग पर बहुत जोर देते रहे। इसलिए ये 10 किलोमीटर की जो मैराथन है वो हेल्थ फिटनेस के साथ हमने ऑर्गेनाइज की है। गांधी दर्शन से 10 किलोमीटर रोड रेस का राउंड करके ये यहीं पर वापस आए। ये संदेश देती है कि हमारे प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर किस तरीके से G20 को लेकर सफल आयोजन किया गया और हमारा देश आज विश्व गुरु बन गया है, उसी को देखते हुए हम ये युवा चाहते हैं कि युवा भारत है हमारा, युवा चाहते हैं कि वो और स्वास्थ्य जो उनको अपनाएँ। और इसमें आज देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री युवा जो आज इस दौर के अंदर भाग लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर लोगों में बड़ा उत्साह है और दूसरा उत्साह है कि इस दौड़ का नाम रखा है रन फॉर स्वस्थ भारत। और रन फॉर स्वस्थ भारत का मतलब यही है कि हमारे प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी भी हमेशा योग पर, स्वास्थ्य के ऊपर जोर देते थे और हमारा तो युवा भारत है। और अब G20 की सफलता ने मोदी जी की चमक दुगनी कर दी है और विश्व के अंदर भारत को गुरु बना दिया है। इसलिए भी मैं समझता हूँ कि युवा भारी संख्या के अंदर आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 10 किलोमीटर की मैराथन है जो गांधी दर्शन द्वारा और हेल्थ फिटनेस द्वारा आयोजित की गई है, ताकि हमारे युवाओं के अंदर एक संदेश जाए कि सबसे ज़्यादा जो, और अगर देश को और मजबूत बनाना है तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दे रहे हैं, अपनी तरफ से एक तरह से तोहफा पेश कर रहे हैं और उनके साथ एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम युवा जो हैं आपके साथ हैं, हर जो आपकी योजना है उसके साथ हैं। इसलिए लोगों ने देखो उनकी योजनाओं के प्ले कार्ड्स वगैरह भी ले रखे हैं और एक बड़ा सा कटआउट नरेंद्र मोदी जी का है G20 को लेकर, क्योंकि G20 से हमारे देश का मैसेज जो है पूरे विश्व में है।